तो आज मैं और मेरा दोस्त बनाने वाले हैं बहुत तगड़ा सिक्योरिटी बंकर, क्योंकि ये जो लप्पू से मॉब होते हैं ना, जिनसे कोई भी नहीं डरता, उनके अंदर ब्रेन आ चुका है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, एंड इसीलिए अब वो हमारे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते हैं। तो उन सब से हमें सिर्फ एक बंकर ही बचा सकता है, लेकिन आखिरी में माइनक्राफ्ट के सारे मॉब मिलकर हमारे बंकर पे अटैक कर देते हैं। तो अब उनसे हम बच पाएंगे या नहीं, ये तो तुम्हें आगे वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे तुम लोग हीटर फेंक के मारो या फिर गर्म पानी रॉड, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि यार हम कुछ ज्यादा ही क्लोज है 300 के सब्सक्राइबर्स के। तो चलो अब जानते हैं इन सब की स्टार्टिंग कहां से हुई। भाई देख अपना विलेज क्या मस्त लगने लगा है। अरे हाँ यार, सही में बहुत ज्यादा सुंदर बनता जा रहा है दिन ब दिन। और ओए तुझे पता है वो चीफ ने अपने घर पे सोने की घंटी लगवा ली है। अरे छोड़ रही थी उसको, हम नारुतो देखते हैं। हाँ चल यार, अपना अभी आधा सीजन बचा हुआ है, अपने वो जल्दी से खत्म करना है। लेकिन एक सेकेंड भाई, ये न्यूज क्या आ रही है? अरे ऋषि कुछ सीरियस लग रहा है, वॉल्यूम बढ़ा, देखते हैं। हाँ चल। अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो ये तुम्हारी आखिरी न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि कल रात हमारे प्लेनेट पर एक मीटियोर गिरा है, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट के सारे मॉब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग अब टूल और आइटम का भी यूज करने लगे हैं, और उनमें से कुछ तो म्यूटेंट भी बन चुके हैं, और वो लोग मिलकर अब इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से जाकर एक बंकर बनाओ, और मैं भी जा रहा हूँ अब बंकर बनाने। भैंस की टांग भाई, ये क्या हो रहा है? इसके बारे में तो अपने को कुछ पता ही नहीं चला। अरे ऋषि, हमारा, हमारे विलेजर्स और हमारे पेट्स का क्या होगा? अबे वही तो यार, अपने को एक बंकर बनाना पड़ेगा। तू हरामी बिलोटे, तेरे को नहीं बचाऊंगा, तूने मेरी नाक में दम कर रखा है म्याऊ म्याऊ कर कर के। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? चल जल्दी से बंकर बनाने के लिए सामान कलेक्ट करते हैं। हाँ चल ठीक है, जल्दी चल। तो गाइस हम लोगों ने ना अपने आर्मर एंड टूल सब कुछ इस वाले ब्लॉक के पीछे छुपा के रखे हुए हैं। ये तुम लोग देख सकते हो, नेदरराइट का ओवर पावर्ड आर्मर। वैसे ये मेरा नहीं है, ओए का है, वो पूरे दिन माइनक्राफ्ट खेलता रहता है तो उसके पास नेदरराइट का है। एंड मेरे पास है डायमंड का आर्मर, ये भी कुछ कम नहीं है भाई, ये भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड गाइस ये जो चेस्ट है ना, इसके अंदर मेरे और ओए दोनों के टूल्स रखे हुए हैं, तो मैं जल्दी से इनको भी कलेक्ट कर लेता हूं। तो ओके गाइस, अभी मैं ओए के पास में चलता हूं और देखते हैं उसने सामान कलेक्ट कर लिया या नहीं। हेलो ओए भाई, क्या तूने सामान कलेक्ट कर लिया पूरा? हाँ भाई, पूरा का पूरा हो चुका है, ये देख ले। रुको गाइस, देखते हैं, यहाँ पे है बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड यहाँ पे तो सिक्योरिटी का भी सामान है, ये बहुत बढ़िया बात है यार। ओए तू तो सब कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहा है, क्योंकि मॉब्स वगैरह होंगे तो अपने को सिक्योरिटी भी बनानी पड़ेगी। एंड ये दूसरे वाले के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एंड ये आखिरी वाले सल्कर में इसने विलेजर के रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया है। अरे रिजी, ये तो सिर्फ आधा सामान है, बाकी तो मेरी इन्वेंटरी में पड़ा है। चल ठीक है यार, मैं इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ, और बंकर अपन लोग बनाएंगे कहाँ पे? मेरे ख्याल से अपने को उधर डेजर्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि वो अपने विलेज से भी बहुत पास में है, एंड डेजर्ट में खुला एरिया होता है, तो अगर मॉब वगैरह अटैक करेंगे तो अपन इजीली उनसे फाइट कर पाएंगे। तो ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एंड मेरे ख्याल से ये वाली जगह सबसे बेस्ट है, क्योंकि यार ये बिल्कुल खुला मैदान है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो ऊपर सिक्योरिटी भी बना सकते हैं अच्छी खासी। तो ओए भाई जल्दी से खोदना चालू कर। अरे मेरे को टेंशन हो रही है यार, यहाँ पे अटैक होने वाला है। अबे टेंशन मत ले, जल्दी से काम चालू कर। तो गाइस मेरे ख्याल से इतना गहरा बंकर काफी होगा, एंड अभी हम लोग यहाँ पे रूम बनाना चालू करते हैं। तो ओके गाइस, हमने रूम बनाने के लिए स्पेस खाली कर दी है, एंड भैंस की टांग ये वंडरिंग ट्रेडर और इसके लामा कहाँ से आ रहे हैं? इनकी ऐसी तैसी भाई बंकर बनानी है, उसमें छुपने के लिए ये लोग पहले आ गए। जी ये ब्लॉक्स ले, हम इससे बनाएंगे बंकर। अबे हाँ यार, ये तो देखने में बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हैं, चल जल्दी से काम चालू करते हैं। A few minutes later. तो ओके गाइस, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने पूरा का पूरा बंकर उस वाले ब्लॉक से बना दिया है, एंड यहाँ पे मैंने लेटर्स भी लगा दिए हैं, एंड ये बंकर की एंट्रेंस में मैंने यूज किए हैं घोस्ट ब्लॉक, जिसकी वजह से बाहर से देखने में पता ही नहीं चलता कि ये कोई बंकर है। चल ओए भाई जल्दी से अपन लोग एक टनल बनाते हैं, क्योंकि अपने को बाद में सिक्योरिटी भी बनानी है, बिकॉज वो मॉब्स बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं, क्या पता वो अपने बंकर के अंदर घुस जाए। अरे हाँ भाई जल्दी खोद। One hour later. तो यार हमने पूरा टनल का काम कंप्लीट कर दिया है, एंड आगे हमने फार्मिंग एरिया, विलेजर एंड अपना खुद का रूम भी बना दिया है। 2000 years later. तो ओके गाइस, हम लोगों ने अपना बंकर बना के पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस इसके अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी बनानी है। तो अपने बंकर की एंट्रेंस यहाँ है, यहाँ पे हमने लगा रखे हैं दो डोर, जिसके अंदर तुम्हें डालना होगा एक पासवर्ड, और पासवर्ड है हर बार की तरह 1234। जैसे यहाँ से एंट्री लोगे तो यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें तीन तीन रूम। ओए चल बता, सबसे पहले कौन सा वाला रूम दिखाएं?
है? अरे सबसे पहले दिखाते हैं ना ये फार्मिंग वाला रूम। तो गाइस फार्मिंग वाला रूम है ये, एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमने उगा रखी है बहुत सारी वीट, एंड यहाँ पे हमने दो कंपोस्टर भी लगा रखे है जिससे हम किसी विलेजर से खेती भी करा सकते हैं। तो चलो अभी मैं ना तुम्हें विलेजर के रहने वाला रूम दिखाता हूँ। देख रहे हो ना कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, और मस्त लगेगा भी क्यों नहीं, मैंने जो बनाया है। अब आ जाओ मैं ना तुम्हें अपना वाला रूम दिखाता हूँ जिसके अंदर हम दोनों रहने वाले हैं। तो गाइस ये रहा हम दोनों का रूम, यहाँ पे हमने बेड लगा रखा है एंड ये हाथ धोने के लिए सिंक भी बना रखी है। एंड गाइस यहाँ पे हम लोगों ने एक बढ़िया सा पैटर्न भी बनाया है, ये देखने में देखो एकदम फूल जैसा लग रहा है ना। एंड गाइस ये रूम बहुत ज्यादा सिंपल एंड मस्त है। तो गाइस यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा बंकर, एंड भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंकर है। ये देखो गाइस अगर मैं इस ब्लॉक को जन्मों तक भी खोदता रहूंगा ना तो भी ये नहीं टूटने वाला है। तो चलो गाइस अभी जल्दी से इस बंकर के अंदर हम लोग सिक्योरिटी बनाते हैं, और सिक्योरिटी बनाने के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए वो इस सल्कर बॉक्स के अंदर है। तो ओए भाई जल्दी से आधा आधा सामान ले ले और अपन लोग सिक्योरिटी बनाना चालू करते हैं। हाँ भाई सामान तो बहुत सारा है, सिक्योरिटी भी एकदम तगड़ी बनेगी। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अपनी एंट्रेंस पे लगाने वाले हैं बहुत सारे कॉबवेब, जिससे अगर गलती से कोई भी ज़ॉम्बी या फिर मॉब वगैरह अंदर आ गया तो वो इन कॉबवेब के अंदर अटक जाएगा। एंड कॉबवेब के ही साइड में मैं लगाने वाला हूँ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फैन। एंड गाइस यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ये फेंस गेट, और ये भी सेम मटेरियल से बना हुआ है जिससे ये फेंस बनी हुई है, तो अगर कोई इसको भी टच करेगा तो उसे करंट लगेगा। तो गाइस यहाँ पे अपना सीन सेटअप हो चुका है, जैसे ही कोई मॉब आएगा वो कॉबवेब में अटकेगा उसे करंट लगेगा। एंड आगे मैं लगाने वाला हूँ बहुत सारे रोबोट्स जो कि उसका सर फोड़ देंगे। एंड गाइस मेरे ख्याल से इतने सारे रोबोट्स काफी होंगे। एंड ओए मैंने रोबोट्स लगा दिए हैं तो तू इन सब के अंदर बुलेट्स भर दे, मैं बाकी का काम करता हूँ। हाँ ठीक है भर रहा हूँ। एंड गाइस मैं बीच में भी थोड़े से कॉबवेब लगा देता हूँ, क्या पता भाई बाय चांस अगर कोई मॉब वगैरह इससे बच गया तो वो बाहर कॉबवेब में अटक के मर जाएगा। एंड गाइस मैंने यहाँ दोनों जगह पे लगा दिए हैं बहुत सारी स्पाइक्स, जैसे ही कोई इन स्पाइक्स के ऊपर पैर रखेगा तो उसे डैमेज जाएगा, ये देखो। एंड गाइस यहाँ गेट पे मैं लगाने वाला हूँ ये वाला सेंट्री, और ये सेंट्री भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत तगड़ा डैमेज देता है एंड बहुत दूर तक मारता है। तो जब कोई भी मॉब यहाँ पे आएगा इन स्पाइक से टकराएगा तो उसकी हेल्थ वैसे ही बहुत ज्यादा कम होगी, और लास्ट में ये सेंट्री उसकी ऐसी तैसी कर देगा। तो यहाँ पे दोनों जगह मैंने लगा दिया है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे ये तो कोई ब्लॉक है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर छुपा हुआ बैठा है एक रोबोट, जब कोई मॉब इधर आएगा तभी वो एक्टिवेट होगा। अबे ऋषि ये क्या बेकार से ब्लॉक्स लगा दिए, वैसे ही गंदे लग रहे हैं, तोड़ इसको जल्दी से। अबे तोड़ना नहीं है भाई, ये सेंट्री है भाई, ये तो मेरे को मार देंगे। अबे तो तेरे को उन्हें तोड़ने के लिए किसने कहा था? तू फालतू में सोते हुए शेर को छेड़ेगा तो वो तो तेरे को मारेगा ही ना। ओ भाई भाई इतनी दूर से भी मार रहा है, तुम लोग देख सकते हो कितनी दूर तक ये मारता है, तो कोई भी चांस नहीं है कि कोई मॉब इनसे बच पाएगा। अब तो छुपा रहे उधर ही। तो ओके गाइस हमने बंकर के अंदर की तो पूरी सिक्योरिटी बना दी है, अभी चलो बाहर की भी सिक्योरिटी बनानी है। अरे हाँ भाई ऊपर का तो ऐसे ही पड़ा है। तो गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं, एंड अभी तुम लोग सोच रहे हो ऊपर हम सिक्योरिटी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें लगानी होगी बहुत सारी फेंस। ये वही फेंस है जो हमने नीचे लगाई है। एंड गाइस अभी हम लोग अपने बंकर की एंट्रेंस के आसपास लगाने वाले हैं ये वाले रोबोट्स, एंड ये कोई ऐसे वैसे रोबोट्स नहीं है, इसके अंदर हमें फिल करनी होती है ब्रिक्स, और फिर ये सारे रोबोट्स ना मॉब्स के सर पे ईंट फेंक फेंक के मारेंगे, और भाई फिर तो उनका सर फूट जाएगा। हेलो ओए इन सब के अंदर ना बहुत सारी ब्रिक्स फिल कर दे। एंड गाइस अभी ये जो खाली स्पेस है ना यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बहुत सारे ट्रैप्स। तो तुम ये मेरे जो हाथ में देख रहे हो ना ये है एक केज ट्रैप, अगर इसको मैं ये ब्लॉक के ऊपर लगा दूंगा एंड अगर कोई भी मॉब इसके ऊपर आएगा तो ये आसपास से केज बन जाएगा और वो मॉब इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही बहुत सारे लगा देता हूँ। तो ओके गाइस मेरे ख्याल से इतने सारे केज ट्रैप काफी होंगे, एंड इन केज ट्रैप के आसपास मैं लगा देता हूँ कैक्टस, क्योंकि भाई कैक्टस के बगल में भी जब कोई आता है तो उसे डैमेज पड़ता है। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने खोद दिया है दो ब्लॉक गहरा गड्ढा, और ये गड्ढा पूरा का पूरा बंकर के मैंने आसपास खोदा है। एंड अभी बस तुम लोग कमाल देखो इस गड्ढे का। हेलो ओए कहाँ पे है तू? हाँ ये रहा मैं। ये देख यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक लगाया है, अभी तू इस ब्लॉक के ऊपर खड़ा होके देख। अरे ये गायब हो गया। हाँ साइंटिस्ट बनना है तुझे, मेरे पे करने सारे एक्सपेरिमेंट। तो गाइस अभी मैं जल्दी से ये सारे के सारे ब्लॉक लगा देता हूँ एंड फिर अपनी बंकर की पूरी सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी। अबे ओए मत कर भाई, क्यों फालतू में पंगे ले रहा है? तेरे को हर वीडियो में खतरों का खिलाड़ी बनना होता है। अरे क्यों ना बनूं भाई, मैं हूँ पहले से खतरों का खिलाड़ी। वो तो अभी आगे पता पड़ेगा जब ज़ॉम्बीज आएंगे, फटके पिच्यासी हो जाएगी तेरी तब। इतना तगड़ा बेस देखकर भाई वो आएंगे ही नहीं। वो सब तो ठीक है गाइस, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने नीचे लावा भी लगा दिया है जिससे अगर कोई इसके अंदर गिरे तो वो जल के मर जाए। तो ये मेरे पे अभी थोड़े से सेंट्री भी बच रहे हैं, तो इनको
इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लगा देता हूँ। एंड बस अभी ये आखिरी वाला बचा हुआ है एंड ये भी लग गया। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो अपने बंकर की पूरी सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है। अभी गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई मॉब हमें टच भी कर पाएगा। अबे ओए भैंस की टांग भाई, कितने सारे मॉब्स आ गए यहाँ पे। तो वेट अ सेकंड गाइस, ये ज़ॉम्बी और स्केलेटन धूप के अंदर कैसे मजे में घूम रहे हैं। अरे ये भी तो देख, ये कैसे इनको गोलियां पड़ रही हैं। और क्या भाई, देखा ना क्या तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है अपन ने। ये देख इनकी ऐसी तैसी, ये बगल में भी नहीं आ पा रहे। लेकिन भाई अभी तो इन लोग की स्टार्टिंग हुई है, जब ये लोग अपनी पूरी फौज लेके अटैक करेंगे तो अपना सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा यार। आ जाओ, इन सब की चटनी बना के आते हैं। अबे भैंस की टांग भाई, तूने देखा क्या, ये ज़ॉम्बी के हाथ में लावा बकेट और इसने लावा डाल के मुझे जला दिया भाई। अरे भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट हो रहा। अबे जाइंट भाई, जाइंट ज़ॉम्बी उधर देख। ओ भाई इसको मारना पड़ेगा यार, नहीं तो ये हमारा सिक्योरिटी बेस खराब कर सकता है। रुक जा, इसको पील के आते हैं भाई, वो से दूर से ही मारूंगा। अबे वो जाइंट को तो अपने सेंट्रिक नहीं मार दिया भाई। ओए ये देख भाई, सारे के सारे मॉब्स मर गए। अब भाई अपने पे ज्यादा टाइम नहीं है, पता नहीं वो लोग दोबारा से अटैक कर सकते हैं। चल जल्दी से ब्लेजर को ट्रांसफर करते हैं अपने बंकर के अंदर। हाँ भाई चल जल्दी, चल टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। भाई देखो यार विलेज में कितनी शांति है, इन विलेजर्स को बिल्कुल भी नहीं पता है कि इनकी थोड़ी देर में वाट लगने वाली है। इन सारे विलेजर्स को अपन लोग लेके कैसे जाएंगे बंकर में। अरे इन सबको लेके जाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। तो अभी अपन क्या करते हैं ना, विलेज से लेकर एक बंकर तक रेलवे लाइन बना देते हैं, जिससे कि विलेजर्स को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अबे यार मस्त प्लान है, और तेरे पास तो रेलवे लाइन का सामान भी है। हाँ मैं अपने साथ ही लेकर घूम रहा हूँ, बाकी मेरी चेस्ट में पड़ा है। तो ओके गाइस, मैंने पूरे के पूरे विलेज से लेकर अपने बंकर तक रेलवे लाइन बिछा दी है। अभी हम विलेजर्स को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। जा तू उधर डायरेक्शन में जा, मैं इधर डायरेक्शन में जाता हूँ, विलेजर को लेके आते हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये कैसे पोस्टर लगे हुए पूरे विलेज में, वांटेड डेड और अलाइव। और भाई इस पे तो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी है। मेरे को लग रहा है गाइस ये कोई गैंगस्टर वगैरह है। बट इसको छोड़ो, अपन लोग पहले विलेजर्स को इकट्ठा करते हैं। ओए विलेजर चल जल्दी जल्दी चल। भाई ये नखरे दिखा रहे। अबे भाई इनको एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से हमारी बात नहीं मान रहे। अरे एक काम करते हैं ना, ब्रेड फेंकते हैं इनके सामने फिर आएंगे। अबे मस्त आइडिया है, मेरे पे भी ब्रेड है बहुत सारी। आजा विलेजर। ए नल्ले देख, मैंने ब्रेड फेंकी है यहाँ पे, ब्रेड खा ले। इस अंधे को ब्रेड ही नहीं दिख रही। ए ब्रेड उठा। चलना चू। अबे ओए जल्दी कर भाई, देख मॉब्स आ गए यहाँ पे। आ भी भाई ये झुंड बना के रहे हैं। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो फाइनली गाइस ये विलेजर का बच्चा बैठ चुका है, इसके चक्कर में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ना। अबे भैंस की टांग, हम इतनी देर से जुगाड़ लगा रहे हैं कि ये जल्दी से माइनक्राफ्ट में बैठ जाए, और यहाँ देखो ये खुद पे खुद बैठ गया है। चलो इसको धक्का दे देते हैं, डायरेक्ट बंकर में पहुंच जाएगा। अभी मैं अगली माइनक्राफ्ट लगा देता हूँ, इसमें भी बैठ जाए। ए बैठ, चल बैठ जा भाई, बैठ जा यार। ओ ये भी बैठ गया, ये लेट्स गो। चल ऋषि जल्दी से हम बाकियों को भी कर देते हैं ट्रांसफर। तो गाइस हमने इस विलेज के सारे विलेजर्स को ट्रांसफर कर दिया है अपने बंकर में। और ओए तेरे को पता है क्या, ये भाई किसकी पोस्टर लगी हुई है यहाँ पे, देख पूरे के पूरे विलेज में इसकी पोस्टर लगी हुई है वांटेड नाम से। वेट व्हाट, अरे ये तो बहुत बड़ा गन का व्यापारी है। तू कैसे जानता है इसको? भाई देख इसके ऊपर कितना ज्यादा बड़ा इनाम है। अरे मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, ये देख। अबे भैंस की टांग भाई, कट्टा है तेरे पास तो, कहाँ से आया? ये सब तो इलीगल है अपने विलेज में, तेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी। अरे कुछ नहीं होता यार, इतनी टेंशन नहीं लेते। ये कट्टा भाई मैंने इसी से तो लिया है। एक सेकंड मेरे को दिखाना कैसा कट्टा है ये। ये देख। ओ भाई गाइस देखो क्या मस्त दिख रही है गन, एकदम रियल जैसी। रुको उठा के देखता हूँ। ओ भाई साहब, ओ भैंस की टांग। अबे भाई क्या गन है, ओ शिट क्या मस्त घूमती है यार। तेरे को गोली मारूं क्या? ओए नहीं रिलोडेड है वो, भाई चला मत देना मर जाऊंगा मैं। हाँ नहीं चला रहा भाई, गन तो एकदम मस्त है, और क्या तगड़े तरीके से स्पिन करती है यार। भाई यही देख के खुश मत हो भाई, इस बंदे के पास ना छोटे से लेके बड़े तक सारे वेपन्स है, हर तरह के वेपन्स मिल जाते हैं इससे तो। तभी मैं कहूँ यार इसके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा इनाम कैसे लगा हुआ है। लेकिन अपने को भी गन्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत भयंकर वाला मॉब का अटैक होने वाला है। तो भाई तू इसको जानता है ना, चल इससे एक वेपन लेने चलते हैं। हाँ चल तू मेरे पीछे है, मैं तेरे को इसके पास लेकर चलता हूँ। अबे ओए के बच्चे, ये क्या तेरी बुआ का लड़का है जो तेरे को फ्री में वेपन दे देगा, इसको पैसे कौन देगा? वैसे तो भाई इस कट्टे के भी उधार पड़े हैं उसके पास। तू वेपन का पता नहीं चप्पलें दिलवाएगा। अबे ऋषि लेकिन इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आएगा? तू पैसे की चिंता मत कर भाई, वो देख चीफ की घंटी। A few inches later. अरे ऋषि तोड़ जल्दी से, वो चीफ आ जाएगा नहीं तो।
हाँ तू भी तोड़ जल्दी जल्दी, हाथ चला। चल भाई पूरी घंटी तोड़ ली अपन ने, चल जल्दी। अरे ऋषि वो देख, वो जो बंकर दिख रहा है ना वहीं पे है वो डीलर। भाई ये डीलर तो कुछ ज्यादा ही चालू है, इसने तो अपने से भी पहले बंकर बना लिया। अरे यार बनाएगा क्यों नहीं, उसके पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है पैसे वाला जो है। चल भाई जल्दी से चलते हैं। एंड एक सेकेंड, वहाँ पे देख कितने सारे मॉब स्पॉन हो रखे हैं। अबे भाई इनसे कैसे लड़ेंगे, म्यूटेंट वाले भी हैं, व्हाट द हेक। अपने को पहले इन मॉब्स को मारना पड़ेगा तभी अपन लोग बंकर के अंदर जा पाएंगे। अबे ये तो हेडफोन लगा के आया है, ये देख। ओ भाई इतनी भी क्या तैयारी करनी है इसको, ये तो फ्लिंट एंड स्टील लेके आ रहा है, तेरे में आग लगा दी उसने लॉन। तो गाइस हमने सारे के सारे मॉब्स को मार दिया है, अभी जल्दी से इस बंकर के अंदर चलते हैं। ओए भाई इसके अंदर जाने का तो वही रास्ता ही नहीं दिख रहा। अबे बेवकूफ ऊपर देख, ऊपर रास्ता है एक। तो पहले तू अंदर जा। आजा आजा कोई टेंशन नहीं, अपना ही घर समझ। अबे भाई ये लोग देख कितने ज्यादा एडवांस है, इनने तो कैमरा लगा के रखा है बंकर के अंदर। भाई बहुत पैसा है उस बंदे पे। क्यों, वो यही वाला रास्ता है ना, अपने को इसी के अंदर जाना है ना। हाँ हाँ चल आगे चल, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से जाना। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। अबे भाई ये क्या हो गया, अबे पीछे देख हम दोनों की मौत खड़ी है पीछे। मौत? अबे भाई ये कौन है? मुझे क्या पता ये कौन है, तू तो कह रहा था तेरे को जानते हैं ये लोग। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नंबर वन नंबर टू इन दोनों को बाहर मत निकलने देना। तूने मेरे से क्या कहा था, ये तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानता है ना, मरने वाले हैं हम दोनों यहाँ पे। ओए चुप करो तुम दोनों। अरे यार भाई मेरे को जानते तो, आपसे मैं गन्स लेता हूँ कट्टा वगैरह। कौन सी गन? तेरे पास गन नहीं है कोई भी? अरे ये देखो इसकी पैंट में ये लटक रखी है, ये लेके तो गया था पिछले महीने। लाओ अपनी गन दिखाओ। ये लो भाई कर लो चेक। अरे हाँ ये तो हमारा ही माल है, अब बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? अरे एक्चुअली आ रहा है दादा, काम मेरे को नहीं है, इस ऋषि को है। हमें आपसे गन्स खरीदनी है। ए, ये बच्चों को गन नहीं देता मैं। चलो ठीक है, रोकड़ा किधर है? अरे हम लेके आए हैं ना 15 गोल्ड के ब्लॉक। नंबर टू अंदर से जाओ, झंडू गन का कलेक्शन उठा के लेके आओ। अबे तू किधर जा रहा है? नंबर वन नंबर टू तू जा, बहरा है क्या? अरे आ रहा दादा, इनका ऑपरेशन नहीं कराया क्या कान का? अब ये परमानेंटली बहरा हो चुका है, गन से कान खुजा रहा था ना। अरे किधर मर गया, जल्दी आ। लाओ रोकड़ा निकालो। ये लो पूरे 15 गोल्ड के ब्लॉक। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारा माल, और अब दफा हो जाए यहाँ से। अबे चल ऋषि मार देंगे ये लोग, चल भाग यहाँ से। ओए भाई फाइनली अपन लोग अब सेफ है एकदम, अब कोई चिंता की बात नहीं है भाई। अरे हाँ यार हमने पूरे विलेज को बचा लिया है। अरे जब ये मॉब अटैक बंद हो जाएगा ना तभी बाहर निकलेंगे। लेकिन एक सेकेंड, ओए क्या तुझे पता है अपन लोग कुछ भूल रहे हैं? अबे भाई क्या भूल गए? तुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा क्या? विलेजर आ गए, घर बना लिया अंदर नीचे, पूरा सामान पैक्ड है, क्या रह गया? अबे गधे तुझे अपने बहादुर और बिलौटे की याद नहीं आ रही क्या? What the heck भाई, वो तो वहीं रह गए। और मैं इतनी देर से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रही है? अब उनको लेने के लिए जाना पड़ेगा ऊपर, और ऊपर हो रहा है मॉब का अटैक। अबे पहले ऊपर जाने से पहले मेरे को सारी गन्स तो दे दे। ये ले ये रहा शल्कर बॉक्स, और इसके अंदर से आधी तू ले ले आधी मैं ले लेता हूँ। चल ओए अभी चलते हैं उन सारे मॉब्स की वाट लगाने और अपने पेट्स को बचाने। अरे भाई मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ उनको मारने के लिए, भाई मजा आने वाला है उनको मारने में। तो ओके गाइस अभी हम लोग ऊपर जाके देखते हैं भाई, बस हमारे पेट जिंदा बचे हो। हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड भाई उधर देख, ओए कितने सारे मॉब्स है भाई, ऐसा लग रहा है 1-2 हजार मॉब्स है उधर। ओए अबे ऋषि ये 1 हजार नहीं है, लाखों में भी हो सकते हैं भाई, इतने सारे तो मैंने कभी नहीं देखे। और तू भाई उनके हाथ में देख, किसी के हाथ में एंचेंटेड बोतल है, किसी के हाथ में पोशन है और पिकेक्स वगैरह लेके आए ये तो। एंड एक सेकेंड, एक ज़ॉम्बी के हाथ में तो भाई एंडर पर्ल है, अब ज़ॉम्बी पर्ल करके आ जाएगा क्या अपने पास? बे ये तो पूरे तैयार होके आ गए हैं, हम कैसे बचेंगे इनसे? अबे गधे ये बेस क्या अपन ने ठिसाने के लिए बनाया है? फिर देख ना वो लोग कितने दूर खड़े हैं अपने बेस से, वो अपने बेस के आसपास भी नहीं आ पा रहे। अरे ऋषि वो सब छोड़, पहले अपने पेट्स को बचाते हैं। ये देख मॉब्स बगल में आने लगे भाई, अटैक कर रहे हैं ये। भाई मैं तो गन निकाल रहा हूँ इनको मारने के लिए। अबे हाँ यार अपने पे तो गन है, मैं तो भूल ही गया था, AK-47 से इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। चल एंडर पर्ल मार के बाहर चलते हैं। अरे क्रीपर बक ताले। अभी वहाँ पे देख जाइंट स्पॉन हो रहे हैं, 2-2 जाइंट। ओए जल्दी चल भाई, ये देख ये कैसे आ रहे हैं इन सालों की ऐसी तैसी, इनकी भैंस की टांग। अबे कितना मजा आ रहा है इनको मारने में। अबे मजा तो आ रहा है लेकिन भाई पेट्स को बचाना है। अरे चल मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। भैंस की टांग भाई, कितने सारे मॉब्स हैं यहाँ पे, सबके सब अटैक कर रहे हैं मेरे पे भाई, पूरे विलेज पे कब्जा कर दिया इन मॉब्स ने तो। अरे साइड अट में RPG चलाता हूँ, रुक देख। अब रुक भाई, मैं भी बजूंगा चलाऊंगा इनकी ऐसी की तैसी। ये लो सालो मॉब्स तुम्हारी भैंस की।
ये किसकी आवाज है? वो वहाँ पे म्यूटेंट ज़ॉम्बी है, उसकी आवाज है ये। साले को बंदूका से उड़ा देते है, चल। वो बार बार मर मर के जिंदा हो रहा है। वो है ही इतना तगड़ा भाई, ये सारे के सारे मॉब्स हमें मारना चाहते है। ये देखो भाई कितने सारे मॉब्स है, सालों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एक सेकेंड भाई, चश्मा लगा के आ रहा है, कूल बन रहा है ये मेरे सामने, तेरी ऐसी तैसी भक्त। ये देखो भाई, ये तोता भाई सबको उड़ा उड़ा के लेके आ रहा है। अबे तू तो ऊपर भी पहुंच गया, रुक मैं भी आता हूँ। अरे आना जल्दी, मैं तेरे को बैकअप देता हूँ। अबे क्रीपर के बगल में टेलीपोर्ट हो गया भाई। भाई तू तो प्रो है भाई गन्स चलाने में, मैं तो पहली बार चला रहा हूँ। चल चल जल्दी घर के अंदर चल, गेट खोल। लगा भाई गेट लगा। वो बच गए बच गए। वो देख बाहर दो आ रहे भाई, उड़ के आ रहे तोते पे उड़ के आ रहा है, लेकिन शायद ये गेट नहीं खोल पाएगा। भाई ये कैसी आवाज आ रही है, ये गेट खोलने की ट्राई कर रहा है। गेट पे गेट तोड़ दिया भाई कैसे? अरे भाई ये मॉब्स क्या कर रहे हैं भाई, इंसानों से ज्यादा समझदार हो गए ये तो। भाई जल्दी जल्दी अपने पेट्स को उठा, मेरा बहादुर तो उठ चुका है भाई। चल मेरा बिलोटा भी तैयार है, चल चलते हैं। लीड से पहले उसको बोन खिला देता हूँ भाई, बोन खानी ही नहीं है इसको। चल जल्दी बहादुर, भाई ये मॉब्स से बचा के लेके जाना पड़ेगा अपने पेट्स को। अरे हाँ भाई। अबे ओए इधर देख भाई, कितने सारे स्केलेटन ज़ॉम्बी भाई, इनने तो बाढ़ ला रखी है। अरे अपने पेट्स को लेके जल्दी से निकल, यहाँ से लड़ नहीं पाएंगे हम। और क्या भाई, भैंस की टांग, मैंने जिंदगी में इतने मॉब्स नहीं देखे भाई। रुक सालों को बजूका से उड़ाता हूँ। ओके गाइस, हम लोग अपने पेट को लेके नीचे आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बंकर की साइड। लेकिन अबे ओए इधर इनको छोड़ भाई, उधर बंकर की साइड देख, कितने सारे मॉब्स हैं अपने बंकर पे अटैक कर रहे हैं वो सब के सब। ओ भाई कुछ तो उड़ भी रहे हैं। अरे अंदर घुस रहे, जल्दी चल भाई, बंदूका निकाल, बंदूक से कुछ नहीं होगा। हाँ बंदूका से उड़ाते हैं सालों को। भाई ये स्केलेटन की ऐसी तैसी इतनी देर से मुझे परेशान कर रहा है ना, इसकी वाट। अबे शिट, ये क्रीपर ने मेरे डॉग को मार दिया। अरे तेरा ध्यान कहाँ था? अबे मैं उधर वो मॉब्स को मार रहा था जो उधर बंकर पे स्पॉन हो रखे, इनकी ऐसी की तैसी, अब ये नहीं बचेंगे भाई। और इन क्रीपर्स का तो मैं खानदान खत्म कर दूंगा। अबे भाई कितने सारे ज़ॉम्बी आ गए, ये एकदम से टपक पड़ते हैं, इनकी पता भी नहीं चलती भाई। इन सबके मुंह पे ना मैं बंदूका चलाता हूँ, फिर अपन लोग अपनी बंकर की साइड को चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग अपनी बंकर की सिक्योरिटी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है। अरे रुक मैं इन ज़ॉम्बीज को मारता हूँ, नहीं तो ये अंदर आ जाएंगे। इन ज़ॉम्बीज को तो मशीन गन का स्वाद चखाना पड़ेगा। अबे शिट भाई कितने सारे स्पॉन हो रहे हैं यार। भाई ये बॉट कितने बढ़िया है यार, ईट फेंक फेंक के उनके सर पे मार रहे हैं। भाई ये देखो और भी हो रहे स्पॉन। अबे भाई कैसे हो रहे हैं ये, बिल्कुल पहाड़ लग गया है ज़ॉम्बीज का। अगर ये ऐसे स्पॉन होते रहेंगे तो इनको हराना तो इम्पॉसिबल है भाई। इनको ऐसी तैसी करान दे, अपन जल्दी से बंकर के अंदर चलते हैं। अरे हाँ मैं तेरे पीछे पीछे ही तो आ रहा हूँ। ओए ये कॉबवेब से बच के अंदर आई हो। अरे यार ये मॉब्स तो हमारे बंकर के अंदर भी घुस रहे हैं और इनकी भैंस की टांग, ये ज़ॉम्बी तो TNT फोड़ रहा है। अबे जी जल्दी मार, नहीं तो ये अपना बंकर उड़ा देंगे। एक यार अपन ने बंकर तगड़े मटेरियल का बनाया है तो इसको TNT से कुछ भी नहीं हो रहा यार। मुझे क्या लगता है ना, ये मॉब्स तो आते ही रहेंगे, अपन लोग जल्दी से बंकर के अंदर चलते हैं। देख मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, जैसे गेट खुलेगा वैसे ही अंदर आ जाइयो। अबे जल्दी अंदर आ, गेट खुला हुआ है। अरे रुक जा, एक ज़ॉम्बी का बच्चा आ गया। चल मैं दोबारा से पासवर्ड डाल रहा हूँ, तू जल्दी से अंदर आ जाना। गेट खुल गया है, तू जल्दी अंदर आ जा। अबे गधा है क्या, इतनी बार गेट खोल चुका हूँ अंदर नहीं आ पा रहा, मॉब्स को मारने लगा है। अरे भाई प्लीज एक लास्ट बार खोल दे, इस बार अंदर आ जाऊंगा। और ये ज़ॉम्बी का बच्चा बंकर के अंदर कहाँ से घुस गया? बच गए यार, अब अपन लोग सेफ है एकदम। अबे भाई कितने सारे मॉब्स अंदर घुस रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी भाई। अरे भाई हमने सही किया, ये पासवर्ड वाला गेट लगाया, ये तो कोई तोड़ भी नहीं सकता ऐसे। हाँ जल्दी चल, अपन लोग अंदर चलते हैं, अगर इन मॉब्स ने अपने को देख लिया ना तो इधर घुसाएंगे। तो मैं ये वाला भी गेट बंद कर देता हूँ, अभी हम लोग बिल्कुल सेफ है। तो यार होप सो तुम लोग को वीडियो बढ़िया लगी हो। तो फिर यार मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक तुम लोग स्क्रीन पे क्लिक करो और मेरी लास्ट वीडियो देख के आओ। बुई बुई।